योगी को झटका देंगी अपर्णा यादव। अचानक सपा नेता से की मुलाकात, लोकसभा चुनावों से ठीक पहले होगा खेल। साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। उस वक्त उनके फैसले का खूब समर्थन हुआ था। परिवार को दरकिनार कर राष्ट्रवाद की आवाज को बुलंद करते हुए बीजेपी के साथ आने का अपर्णा का फैसला काफी दमदार था, लेकिन खुद को उनका शुभचिंतक बताने वाले लगातार अपर्णा के लिए किसी बड़े पद की मांग कर रहे थे। कभी खबर आई कि उन्हें अखिलेश के खिलाफ लड़ाया जाएगा, कभी खबर आई कि वो अपनी भाभी डिंपल को चुनौती देंगी, बात नहीं बनी। फिर खबर आई कि उन्हें आगे के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन पिछले 2-2.5 सालों में सिवाय किसी बीजेपी नेता को हैप्पी बर्थडे बोलने के अपर्णा ने कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ एक कार्यक्रमों में वो नजर जरूर आई, कई बार मंच पर हुंकार भरते हुए नजर आई, लेकिन जितनी उम्मीद उनके लिए की गई थी उसका 1% भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया। यानी परिवार को साइड करना, राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करना अपर्णा के काम नहीं आया। हालात अब ऐसे हो गए हैं कि उन्हें सोशल मीडिया पर हर कोई यही सलाह दे रहा है कि उन्हें वापस सपा में लौट जाना चाहिए, कम से कम घर की इज्जत तो लौट आएगी, क्योंकि बीजेपी उनको मौका नहीं देने वाली। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि बीजेपी किसी भी ऐसे नेता को मौका नहीं देती जिसका जनाधार ना हो, और सब जानते हैं कि अपर्णा की पकड़ अपने क्षेत्र में ही नहीं है, फिलहाल इसीलिए उन्हें मौका नहीं मिल रहा। अब इन सारी खबरों के बीच अचानक से एक तस्वीर वायरल होती है। तस्वीर में अपर्णा अपने चाचा और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शिवपाल यादव से मुलाकात करती हुई नजर आई। दरअसल अपर्णा चाचा शिवपाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए पहुंची थी। अपर्णा ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, चाचा शिवपाल जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। बस जैसे ही तस्वीर सामने आई, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद अपर्णा अब सपा में वापस लौटने का फैसला कर चुकी है। कुछ यूजर्स तो अपर्णा के सीएम योगी से नाराज होने तक के कयास लगाते हुए नजर आए। इसी बीच एक यूजर ने लिखा, ये चाचा जी के जरिए वापस सपा में आने का मौका तो नहीं है, सपा को किसी बीजेपी वाले को अपने दल में नहीं शामिल करना चाहिए, एंड मौके पर धोखा देते हैं जैसे जयंत राजभर। तो वहीं एक और दूसरे यूजर ने लिखा, अपर्णा जी आप भाजपा में गई नहीं है, भेजी गई है ईडी सीबीआई से बचने के लिए चाणक्य रामगोपाल यादव के द्वारा, क्योंकि भाजपा ने आपको आज तक बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं दिया। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, अपर्णा यादव जी को भाजपा वालों ने खूब मूर्ख बना दिया, उनके भाई जोगी बाबा जी ना ही उन्हें मंत्री बना सके न एमएलसी। आदरणीय चाचा जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई, परमात्मा आपको उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु प्रदान करे, चाचा जी से अनुरोध है कि अपर्णा जी को फिर से पार्टी में ले ले। एक और यूजर ने लिखा, देख लो फल फूल देके क्या पता ये भी इधर ही आ जाए। अब अपर्णा के मन में क्या चल रहा है और क्या नहीं, ये तो वही बेहतर तरीके से बता सकती है, लेकिन हाँ सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें लेकर तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी है। खैर, आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं और आपके हिसाब से अब अपर्णा को क्या फैसला लेना चाहिए, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।